के प्लॉट था लो देखो ये क्वेश्चन इतना बड़ा है क्वेश्चन को देखकर कभी भी डिटरमाइन मत करो कि क्वेश्चन इतना बड़ा होगा तो आंसर कितना बड़ा होगा बेसिकली मेडिकल्स में जिस क्वेश्चन का आंसर जितना बड़ा उसका सॉल्विंग बहुत छोटा होता है क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लो ओके okay? Of of ज माना, मान, माना T, T डिस्टेंस आर बिट्वीन सन एंड प्लानेट टी रिक्वल टू के आर क्यू यह हमें लॉ बता दिया है Here, K is constant, रिलेशन बिटवीन जे एंड के देखो ये कुछ नहीं ये दोन दे दिया है उसका सिर्फ रिलेशन डालने के लिए बोल रहा है देखो कैसे निकालेंगे देखो क्या दिया है केपलर लॉ दे चुका है कि टी स्क्वायर इक्वल टू के आर क्यू ग्रेविटेशनल फोर्स दिया है g कैपिटल M स्मॉल m बाय आर स्क्वायर ऐसे दे चुका है तो टाइम पीरियड एक ये अर्थ है इसके चारों तरफ कोई घूम रहा है इसका टाइम पीरियड क्या हो जाएगा मान लो ये जिस सर्कुलेशन मूव में मूव कर रहा है उसका जो डिस्टेंस होगा वो आर होता है तो टाइम पीरियड क्या होता है दिस... By तो ये मान लो भी में कर रहा है तो टोटल तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा टू पाई आर बाई नहीं तो मैं इसको स्क्वायर कर लूंगा टू टी इक्वल टू फोर पाई स्क्वेर आर स्क स्क्र क्या दिया है तो के आर क्यू इक्वल टू फोर पाई स्क्वायर 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 आर बाय भी ओके तो आर क्यू आर स्क्वायर आर बचा यहां पर भी स्क्वायर इक्वल टू भी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा फोर पाई स्क्वायर बाय के आर अब मुझे बताओ ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये एक सर्कल मोशन में मूव कर रहा है ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कहां से आ रहा है ड्यू टू फोर्स ऑफ सेंट्रिपिटल सेंट्रिपिटल फोर्स ये सेंटर ये सार्किल से एक सेंटर पर चारों तरफ मूव हो रहा है एंड जिसलिए कि इसका जो ग्रेविटेशनल फोर्स आ रहा है तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि सेंट्रिपिटल फोर्स इक्वल टू ग्राविटेशनल फोर्स तो सेंट्रिपिटल फोर्स का क्या है एम टू स्क्विटेशनल फोर्स हमें पता है यहां पर दे चुका है जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाय आर स्क्वायर। तो यहां पर जो एम है ये कैपिटल है में या स्मॉल है देखो कैपिटल एम क्या है ये जो अर्थ का मास स्मॉल एम क्या है ये जो ऑब्जेक्ट ये जो सैटेलाइट जिस अर्थ के चारों तरफ घूम रहा है तो ये जो सैटेलाइट का जो वेलोसिटी है ये है भी है जिसको हमने सेंट्रिपिटल फोर्स के आधार पर एम भी स्क्वायर बाय आर लिए है तो ये जो भी जो है सैटेलाइट का भी है एंड ये जो मास भी है सैटेलाइट का ही मास है ओके आ गया तो भी के जगह पर इसका वैल्यू डाल दो के जगह पर एम फोर पाई स्क्वायर बाई के आर एंड पहले से ये एक आर है तो उसको मैंने आर डाल दिया इक्वल कैपिटल स्मॉल आर स्क्वायर एंड ये आर आर कैंसिल स्मॉल एम स्मॉल एम कैंसिल तो क्या आ गया जी एंड के का जो रिलेशन है वो क्या आ गया देखो फोर पाई स्क्वायर क्वल टू जी एम के ये वाला आंसर कुछ नहीं हुआ है बहुत से आसान चीज हुए है ओके नेक्स्ट स्क्रीन शॉट लो नेक्स्ट क्वेश्चन डाल रहा हूं रेशियो ऑफ एस्केट अर्थ टू दुसिटी एट ए प्लान रेडियस एंड मीन डेंटी समझ में आया क्या है क्या बोला है एस्केप वेल्यूसिटी का हमें रे... क्या रे... रे... रेशियो निकालना है ओके तो भी किसका किसका भी बाई भी पी. तो इसके फॉर्मूला क्या है रूट टू जी एम ई बाई ई बाय रूट जी एम पी बाई आर पी ओके एम एमपी बाई आर पी तो ये टू टू कैंसिल जी जी कैंसिल टू जी कैंसिल हो गया तो क्या बचा रूट अंडर एम ई बाई आरई इंटू आरपी बाई एम इसको मैं सजा कर लिख लिया तो क्या हो जाएगा मुझे क्या निकलना है रूट ऑवर एम ई बाई एम पी इंटू आरपी बाई आर ई अब लिखो मुझे क्या निकलना है भी ई बाई भी पी इक्वल टू दिस निकलना है लिख लो ये लिख लो जल्दी लिख लो तो अब देखेंगे क्वेश्चन में क्या दिया है दिया है कि ये जो रेशियो है डेंसिटी एंड रेडियस का आर पी बाई ई क्या दिया है रेडियस एंड मीन डेंसिटी ट्वाइज एट दैट ऑफ अर्थ अर्थ को जितना Earth का जितना है वो प्लैनेट का रेडियस दो गुना है अर्थ का डेंसिटी जितना है प्लैनेट का डेंसिटी दो गुना है तो रेडियस का रेशियो क्या है दो बाई वन अब देखो डेंसिटी का रेशियो रो पी बाई रो ई दैट आल्सो टू बाई वन अब हम सॉल्व करेंगे कि डेंसिटी का तो रेशियो है रेडियस का रेशियो है तो मास का रेशियो में क्या चेंज होगा मास का रेशियो में क्या बदलाव होगा अब हम देखेंगे देखो कैसे देखेंगे तो, मुझे पहले क्या करना है रोपी बाई रो आरई निकालना है जो कि दिया गया है टू बाई वन मुझे बताओ डेंसिटी इक्वल टू क्या है मास बाय वॉल्यूम है क्या है डेंसिटी इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम है तो आर रो पी मतलब एमपी बाई नहीं बाई एम ई बाई भी ओके तो इसको मैं मिटा रहा हूं ताकि अच्छे से हो सके देखो मैं मुझे क्या क्या जरूरत है मैं यहां पर लिख रहा हूं मुझे ये जरूरत है भी ई बाई भीपी दैट इक्वल टू रूट ऑफ एम ई बाई एम पी इन टू आर पी बाई ई मुझे पता क्या है आर पी बाई आर ई दट इक्वल टू टू बाई वन एंड रोपी बाई रो ईक्वल टू टू बाई वन दट इक्वल टू क्या है टू बाई वन अब मैं वेल्यू पुट करूंगा एमपी को एम पी लिख लिया वॉल्यूम एक्सपियर प्लान एंड अर्थ क्या है एक्सपियर जैसा है स्पियर का जो वॉल्यूम है वो क्या होता है टू फोर बाई थ्री पाई आर क्यू ये होता है क्या फॉर्मूला वॉल्यूम का फॉर्मूला तो एम पी का जो भी पी होगा उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा क्यू होल डिवाइडेड बाई एम ई बाई फोर बाई थ्री पाई आरई का क्यू तो ये कैंसिल हो गया ये कैंसिल हो गया बचा क्या बचा है कि एमपी बाई आर पी का होल क्यूब इंटू आरई क्यूब बाई तो इसको मैं सजा कर ऐसे लिख सकता हूं कि MP ME, है सब क्योंकि दिस बराबर क्या है टू बाई वन है एम ई बाई एमपी बाई एम ई इंटू आरई बाई आर पी का आर ई बाई आर पी का होल क्यू इक्वल टू बाय वन यहां पर मुझे पता है है तो इस इक्वेशन से इस इक्वेशन से ये आ जाएगा आर ई बाई आर पी दू वन बाई टू तो क्या हो जाएगा एम पी बाई एम ई आर आर पी मतलब वन बाई टू का क्यूब दट इक्वल टू टू बाई वन तो mp पी बाई क्या हो जाएगा इन 8 वन बाई एट 2 टू तो एम me बाई इक्वल ई दूट टू जै सिक्सटीन बाई वन तो क्या गया? By ME आ गया MP पी बाई का जो रेशियो आ गया सिक्सटीन बाई वन अब इसको डाल दो अब इसको डाल दो कैसे डालेंगे देखो तो भी बाई भी पी, रूट ओवर अंडर एम ई बाई एमपी तो एमपी बाई एम ई का रेशियो सिक्सटीन बाई वन है तो एम ई बाई एमपी का रेशियो वन बाई सिक्सटीन इंटू आरपी बाई ई का रेशियो टू बाई वन तो क्या हो जाएगा भी बाई भी पी इक्वल टू क्या वन बाई एट का रूट ऑफ तो भी बाई भी पी इक्वल टू वन बाई टू रूट टू तो रेशियो क्या हो जाएगा वन इज टू टू रूट टू हो गया

हो गया नेक्स्ट ये देखो थियोरी वाला कॉन्सेप्ट है ए सैटेलाइट इज मूविंग इन एलिप्टिकल पाथ ऑर्बिट अराउंड द अर्थ द मास ऑफ सैटेलाइट इज वेरी स्मॉल कंपेयर टू द मास ऑफ अर्थ मींस ये मत, देने का मतलब क्या है ये देने का मतलब क्या है कि ये कैपुलर्स लॉ उभे कर रहा है केप्लर की तीनों लॉ ओबे कर रहा है कैसे ऐसे कैसे मैंने बता दिया कि क्यों बताया कि देखो केप्लर में हमें पता है कि केप्लर ने हमें बताया कि एक सॉन के चारों तरफ एलिप्टिकल पाथ में यर्थ मूव हो रहा है एंड सॉन का जो मास है यर्थ के मास से बहुत बहुत गुना बड़ा है सिमिलरली अर्थ के चारों तरफ जो सेटेलाइट मूव हो रहा है सेटेलाइट का जो मास है Earth से मास से बहुत नेग्लेजिबल है इसलिए मैं बोल रहा हूं कि केपलर्स लॉ ही यहाँ पर दिया है तो एक एक करके देखते द एसिलेशन ऑफ इज ऑलवेज डायरेक्टेड टूआर द सेंटर ऑफ यूर्स ऑब्वियसली नहीं देखो ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन सेटेलाइट डू टू अर्थ आलवेज टू आर सेंटर ऑफ अर्थ हमेशा क्या होगा ग्रेविटेशनल जो फोर्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स कहां से आया अरे भाई एक अर्थ है इस चारों तरफ अर्थ मूव हो रहा है तो ये जो ग्राविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रेक्शन कहाँ से आया ये जो ये जो देखो ये सॉन है ये क्या है ये अर्थ है ये जो अर्थ का सेंट्रिपिटल फोर्स ही ग्रेविटेशनल फोर्स है ये जो अर्थ एक सर्कुलर मोशन में मूव हो रहा है इसका जो मैंने तो पहले ही डाल दिया ना जो सेंट्रिपिटल फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल टू सेंट्रिपिटल फोर्स कहां से आता है ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला कहाँ से आता है सेंट्रिपिटल फोर्स से ही आता है एक ऑब्जेक्ट सर्कुलर मोशन में मूव हो रहा है इसका मतलब उसके साथ सेंट्रिपिटल फोर्स होगा एंड सेंट्रिपिटल फोर्स का मतलब क्या है एक फोर्स एक कंपोनेंट ऑफ फोर्स जो कि सेंटर के तरह एक्ट कर रहा है एंड इसका जो एक्सीलरेशन होगा उसको क्या बोला जाता है सेंट्रिपिटल एक्सीलरेशन इसका क्या बोला जाता है सेंट्रिपिटल एक्सीलरेशन एंड ये जो सेंट्रिपिटल एक्सीलरेशन भी सेंटर की तरह आग कर रहा है तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा देन सेकंड ऑप्शन देखेंगे सेकंड ऑप्शन क्या बोला है कि द एंगुलर मोमेंट ऑफ एस मीन मतलब सेटेलाइट अबाउट द सेंटर ऑफ द अर्थ चेंजेस इन डिरेक्शन बॉट कांस्टेंट नहीं एंगुलर वेलोसिटी हमने एरियल वेलोसिटी डाला था डेल ए बाई टी इक्वल टू एल बाय टू एम यहां पर एंगुलर वेलोसिटी है एल दट इक्वल टू एम बी आर इसका मैग्निट्यूड कॉन्स्टेंट है डिरेक्शन भी एंगुलर वेलोसिटी का मैग्निट्यूड एंड डिरेक्शन दोनों के दोनों कॉन्स्टेंट है तो ये नहीं होगा द टोटल मैकानिक मैकेनिकल एनर्जी ऑफ एस वेरिस पीरियडिकल विथ टाइम क्या दिया है मैकेनिकल एनर्जी वेरिश हो रहा है अरे भाई ग्राविटेशनल फोर्स से यहाँ पर सॉन अर्थ है यहाँ पर सेटेलाइट है यहां पर कुछ एक्सटर्नल फोर्स आ रहा है यहां पर कुछ एक्सटर्नल फोर्स आ रहा है नहीं अरे एक्सटर्नल फोर्स नहीं आएगा तो मैकेनिकल एनर्जी फेरी कैसे होगा मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट होगा देन द लिनियर मोमेंटम एस रिमेन कांस्टेंट इन मैग्नीट्यूड कभी नहीं लिनियर मोमेंटम कभी नहीं कांस्टेंट होगा लिनियर मोमेंटम का मतलब क्या है एम भी एम भी हमेशा वेरिएबल होगा क्योंकि भी वेरिएबल है वेलोसिटी हमेशा वेरिएबल है तो तुम बोलोगे सर आपने यहाँ पर एम भी आर कॉन्स्टांट बोल दिया यहाँ पर बोल रहे हैं भी वेरिएबल है हाँ यहाँ पर भी वेरिएबल है जो भी का जो वेरिएबिलिटी ये भी and भी and आर भी वेरिएबल है एंड भी एंड आर ईच अदर वेरिएबल होकर कांस्टेंट बना रहे हैं तो कांस्टेंट हो सकते हैं है इंडिविजुअली भी एंड आर वेरिएबल है एंड दोनों मिलकर कांस्टेंट है इसलिए ओनली एक ऑप्शन करेक्ट होगा बाकी का ऑप्शन रॉन्ग होगा देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ए रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट ऑफ अर्थ रिवॉल्व इन ए सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ हाइट जीरो पॉइंट टू फाइव इंटू टेंट इंटू टेंट सिक्स मीटर एंडलेशन ड्यू टू ग्रेविटेशन नाइन पॉइंट पर सेकेंड स्पेडिटल स्पीड ऑफ द सेटेलाइट ऑर्बिटल स्पीड कुछ नहीं है ऑर्बिटल स्पीड क्या है ऑर्बिटल स्पीड का मतलब रूट जी आर ऑर्बिटल स्पीड का मतलब क्या है रूट जी आर तो रूट जी आर और ऐसे मान लो कि ऐसे मान लो ये आर क्या है आर है सेंटर से सेटेलाइट का डिरेक्शन ये सेटेलाइट है तो ये सेंटर है ये आर प्लस हेच है, है ये जो आर क्या है आर प्लस हेच है ओके तो रूट ऑवर जी इंटू आर क्या है जी का मतलब मैं डाल सकता हूं यहां पर यहां पर डाल सकता हूं क्या हो जाएगा जी नाइन पॉइंट एट इंटू आर आर पर जो हाइट दिया है हाइट दिया है क्या जीरो पॉइंट टू फाइव इंटू टेन टू दर सिक्स देखो ये जो प्रीवियस मेडिकल क्वेश्चन था वहां पर ये था जीरो पॉइंट टू फाइव इंटू टेन टू दर फाइव था जिसलिए यहाँ पर थोड़ा गड़बड़ है तो ऑप्शन भी थोड़ा गड़बड़ आएगा हम क्वेश्चन के हिसाब से करेंगे टेंट टू दिक्स तो हम यहाँ पर टेंट टू आर सिक्स डाल देंगे तो रेडियस क्या था रेडियस था सिक्स पॉइंट थ्री एट इंटू टेंट दिक्स तो आर क्या हो जाएगा ये है हैच ये है रेडियस तो आर क्या हो जाएगा आर इक्वल टू आर प्लस हेच तो इसको मिला दो इसको मिलाने से क्या हो जाएगा इसको सम कर लो 6 into 10 to the power 6 का तो मल्टीप्लाई so, करने से सेवन का रूट ऑफ दैट इक्वल टू देखो ये जो इनटू uh, क्या है देखो देखो बोल रहा हूँ देखो इंटू सिक्स है ओके okay. इन टू टेन टू द पावर सिक्स है टेन टू दावर सिक्स है उसका रूट ऑवर तो कैसा आएगा देखो इसको मैं मिटा रहा हूं देन सिक्सटी फोर पॉइंट नाइन सेवन का जो स्क्वायर रूट आ जाएगा वो एट पॉइंट वन के बराबर आ जाएगा रूट ऑवर टेन टू दिक्स का रूट ऑवर सर रूट ओवर फिर से क्यों फिर से रूट ओवर नहीं ओके okay. का रूट ओवर दैट इक्वल नहींवर दू टेंट थ्री ये जो आया ये क्या आया मीटर में आया इसको मैं किलोमीटर में कन्वर्ट करूं तो एट पॉइंट वन मीटर पर सेकेंड में आया ओके okay? इसको मैं किलोमीटर में कन्वर्ट करूं तो एट पॉइंट वन किलोमीटर पर सेकेंड तो ऑप्शन क्या होगा ऑप्शन कोई भी नहीं होगा क्योंकि यहां पर क्वेश्चन थोड़ा गड़बड़ है क्वेश्चन गड़बड़ है तो आंसर भी गड़बड़ आया ओके okay. फिर भी हम नियरली इक्वल करेंगे तो हम देखेंगे ये इसके साथ बराबर इक्वल है और ये इसके साथ बराबर इक्वल है तो ये वाला पास में है तो आंसर ये हो जाएगा और क्या ओके okay. Nest. At what height? At what height from the surface of Earth, the gravitational potential and the value of G are minus 5.4 into 10 to the 7 and 6 meter per second square, respectively. Take the radius of earth is 6400 kilometer. क्या है कुछ गड़बड़ी है कुछ नहीं बहुत ईजी है देखो कैसे करेंगे क्वेश्चन का स्क्रीन शॉट okay, भाई अरे भाई भी क्या है पोटेंशियल क्या है माइनस जी एम आर प्लस एच है कि नहीं इसका बराबर क्या है फाइव पॉइंट फोर इंटू टेन टू आर सेवन जी क्या है जी है जी एम बाय आर प्लस हेच का होल स्क् इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ जी एम आर प्लस इक्वल टू फाइव पॉइंट फोर इसका जो वेल्यू दिया है इसका वेल्यू कितना दिया है इसका वेल्यू दिया है सिक्स दिया है तो सिक्स बाई आर प्लस हेच इंटू इक्वल टू फाइव पॉइंट फोर इंटू टेंट सेवन हाँ कि नहीं तो R प्लस है क्या हो जाएगा R प्लस है क्या हो जाएगा देखो देखो गलत हो गया गलत हो गया रुको 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 गलत हो गया रे क्या है G इक्वल टू क्या है G इक्वल टू six है इसका जो वैल्यू है ये है वो ओके इसका भी क्या दिया है माइनस दिया है तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा जीएम बाई आर प्लस हेच इक्वल हो जाएगा फाइव पॉइंट फोर इंटू इक्वल टू आर सेवन बाई सिक्स तो क्या हो जाएगा जीरो पॉइंट नाइन जीरो पॉइंट नाइन इंटू टें टू आर सेवन दैट इक्वल टू 9 into 10 /6, okay? 9 into 10 /6, क्या होगा मीटर होगा, But हमारा जो option में किलोमीटर दिया है किलो दिया दिया है, है हमारा जो option में क्या एंड का जो रेडियस भी किलोमीटर दिया है तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ दिस इक्वल टू नाइन इंटू टेंट द्वार थ्री किलोमीटर लिख सकता हूँ तो आर प्लस हेच आ गया नाइन थाउजेंड किलोमीटर ओके रेडियस जो दिया है वो आ गया सिक्सटी फोर हंड्रेड किलोमीटर तो एच का हम नहीं निकाल सकते क्या माइनस कर लो क्या हो जाएगा टू सिक्स जीरो जीरो किलोमीटर ओके टू सिक्स जीरो जीरो किलोमीटर यह हमारा आंसर कहां पर है आंसर यहां पर है शायद जीरो किलोमीटर नेक्स्ट क्वेश्चन ए सैटेलाइट ऑफ इज ऑर्बिटिंग द अर्थ स आर एट ए हाइट हेच फ्रॉम इट सर्फेस द टोटल एनर्जी ऑफ द सेटेलाइट इन टर्म ऑफ जी नॉट दू ऑफ्राविटी क्या होगा पूछा गया है ये बहुत ईजी है ओके तो देखो हम पहले पहले से ही डिस्कस कर, कर लिए थे कि ऑर्बिटल वेल्यू सिटी क्या है कानेटिक एनर्जी क्या है पोटेंशियल एनर्जी क्या है सब डिस्कस कर लिए थे फिर से डिस्कस कर लेते ओके देखो क्या होता है तो ऑर्बिटल वेलोसिटी क्या है बच्चों? ऑर्बिटल वेलोसिटी है, जिस वेलोसिटी से वो ऑर्बिट में घूम रहा है दैट इक्वल टू रूट जिया नहीं तो काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ एम भी स्क्वायर, भी स्क्वायर का मतलब क्या है जिया ओके दैट इक्वल टू हाफ एम जी बराबर क्या है जीएम बाय आर स्क्वायर तो ये हाफ कैपिटल एम है जी इन सॉरी ये स्मॉल एम है सॉरी हाफ एम्बीस पे सॉरी ओके हाफ स्मॉल जी जी इक्वल टू क्या है कैपिटल एम है कि नहीं तो जीएम बाय आर स्क्वायर ओके इनटू आर यहां पर स्मॉलर तो इसको बराबर में ऐसे लग सकता हूँ जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई टू आर पोटेंशियल एनर्जी क्या है पोटेंशियल एनर्जी जो डायरेक्ट फॉर्मूला है माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई आर टोटल एनर्जी क्या है कानिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी तो कानिक एनर्जी क्या है जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई टू आर माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई आर

तो टोटल एनर्जी को डू क्या है माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई आर मैं इसको यहां पर आर कर लूंगा एंड आर स्क्वायर डिवाइड कर लूंगा तो क्या हो जाएगा यहाँ पर यहां पर यह हो जाएगा कि माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई आर की आर स्क्वायर ओके इनटू आर स्क्वेर बाई R plus H into, into और क्या है इंटू टू okay? तो देखो मैं यहां पर लिख रहा हूं ऊपर लिख रहा हूं okay? क्या हो जाएगा टोटल एनर्जी इक्वल टू माइनस जी कैपिटल एम स्मॉल एम बाई आर स्क्वेर इंटू आर स्क्वेर बाई टू इंटू आर प्लस एच तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ इसको मैं स्मॉल जी डाल सकता हूँ तो इक्वल टू क्या हो जाएगा स्मॉल जी नॉट आर स्वेर एम बाय टू आर प्लस एच ये आ गया हमारा आंसर देखो ऑप्शन में है कि नहीं हाँ हे, हे, है है कौन सा ऑप्शन है कौन सा ऑप्शन है टू एम जी आर स्क्वेर आर प्लस एच ये वाला ऑप्शन टू ऑप्शन टू तो यह हमारा लास्ट क्वेश्चन था आज की क्लास के लिए नेक्स्ट क्लास में ग्रेविटेशन का और एक पार्ट होगा और एक कॉन्सेप्ट जानेंगे एंड देखते जाइए ओके